तो फ्रेंड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है और मैंने पिछले में आपको समझाया था कनेक्टर्स के बारे में। तो SMPS की कनेक्टर की टेक्नोलॉजी क्या होती है, कनेक्टर क्या होता है, ओके। तो मैंने यहाँ पर जो जितने भी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बना कर रखे हुए ध्यान से समझिए, क्योंकि ये पूरा कोर्स मैंने आपको फ्री में दे रहा हूँ यहाँ पर, ओके। और ये बेसिकली कोई सिंपल कोर्स नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स होता है जितने भी लोग कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह सीखना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए कि जितने भी हमारे SMPS की टेक्नोलॉजी मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत कुछ समझा दिया था, पुराने वाले जो SMPS होते हैं यहाँ पर पुराने वाले SMPS, तो ये जो ज़्यादातर यूज़ होते थे 1985 से लेकर अलग अलग तरह की 1998 से 2003 फिर 2008, लेकिन जैसे ही 2010 आया तो उसके अंदर नई टेक्नोलॉजीज एंटर की गई और नए नए मदरबोर्ड एंटर होने लगे, स्टार्ट होने लगी आप लोग की। तो ATX 20, 4PIN, मोलेक्स और साटा वगैरह जो होती हुई पुराने वाले SMPS में जो थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नए वाले SMPS जो होते हैं यहाँ पर इसके अंदर वॉट भी काफ़ी कैपेसिटी और उसके अंदर पिन की भी टेक्नोलॉजी चेंजिंग की गई है यहाँ पर। हालांकि उसका स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, जैसे देखिए 24 है तो 24 PIN मिलेगी, लेकिन कुछ पिन्स की टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर नई ऐड की गई है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा पावर कुछ मदरबोर्ड जो होती है उसका इम्पोर्टेंट डिमांड होता है, क्योंकि वो हाई परफॉर्मेंस और हाई टेक्नोलॉजी उसकी होती है, उस हिसाब से यहाँ पर उनका जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाते हैं यहाँ पर। कुछ ऐसे जो आपको डिवाइसेस जो लगाने होते हैं तो इसके कन्वर्टर मिलते हैं आपको, ओके। तो यहाँ पर कुछ मोलेक्स टू आपको केबल जो होते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह की यहाँ पर यूज़ करके भी यहाँ अपना जो है डिवाइस बढ़ा सकते हो, ओके। तो पिछले टाइम के अंदर मैं आपको समझाया था कि जितने भी हमारे जो SMPS की जो टेक्नोलॉजी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे मदरबोर्ड के ऊपर पहले डिपेंड होती है, तो मदरबोर्ड जो होता है उसी के हिसाब से हमें SMPS लेना होता है। अगर ज़्यादा वोल्ट हो गया तो हमारा मदरबोर्ड जो है जल सकता है, डैमेज हो सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ओके। तो दूसरी चीज़ की अगर कम वोल्ट होगा तो भी हमारा मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा। तो आज के टाइम के अंदर सिद्ध की नए नए टाइप के जो मदरबोर्ड आते हैं इसके अंदर एम्पियर वोल्टेज और वॉट देखना होता है यहाँ पर, ये कैलकुलेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ओके। तो तब जाकर आप जो है वो सही तरीके से पावर बैलेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाओगे। तो पावर बैलेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसके अंदर सेंसर और कट पावर टेक्नोलॉजी भी नए मदरबोर्ड के अंदर होती है यहाँ पर। मदरबोर्ड रिक्वायरमेंट पावर जो उसकी होती है उसी हिसाब से SMPS को लेना होता है, ओके। तो और भी मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था कि जो नए टाइप की जो SMPS होती है वो उनके अंदर से डायरेक्ट वायर नहीं निकलती, अब कुछ इस तरह के स्लॉट आते हैं, मतलब किस तरह से पिन्स आती है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी पिन्स होती है उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर ये सेटअप होता है यहाँ पर, ओके। तो आज हम समझेंगे कि क्यों हमें नया SMPS लेना पड़ता है, क्योंकि नया हमने मदरबोर्ड लिया मान के चलते कि 12 जनरेशन का गेमिंग हाई लेवल का परफॉर्मेंस का हमने मदरबोर्ड लिया, तो हमें क्यों अपग्रेड करना पड़ता है, क्यों पुराना वाले SMPS के ऊपर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इन सभी चीज़ों को मैं कारण को समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटा कर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए यही मैंने रखा है, लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से, ओके। तो
तो ये इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी, ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले तो आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताई गई किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है, जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडोज 8.1 विंडोज 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना के रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ओके। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है, पेटीएम मिंत्रा या हो ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई भी हमारा मदरबोर्ड हो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पावर के सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हर मदरबोर्ड की पावर की टेक्नोलॉजी जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे उसकी लिमिटेशंस होती है, उसका जो एक तरह का एक रिक्वायरमेंट जो पावर सोर्स होता है वो SMPS ही होता है, क्योंकि SMPS से ही हमारा जो मदरबोर्ड को पावर मिलता है अलग अलग पिनों के थ्रू या फिर उसके वायर के थ्रू। तो बेसिकली जितने भी हमारे मदरबोर्ड जो होता है वो सही राइट SMPS की टेक्नोलॉजी को सही तरीके से हमें ये एंटर करना पड़ता है यहाँ पर, ओके। तो बेसिकली जितने भी हमारे जो मदरबोर्ड होते हैं वो इम्पोर्टेंट ये होता है, क्योंकि जो SMPS जो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई जो होता है वो पावर सप्लाई का काम ही यही होता है कि मदरबोर्ड को AC में से DC को पावर देना, दूसरा कि उस हिसाब से वोल्ट के हिसाब से इसको पावर देना जरूरी होता है यहाँ पर। अब इस तरह के जो SMPS जो होते हैं पुराने वाले SMPS जो होती है वो मदरबोर्ड को उतना पावर नए वाले को नहीं दे पाते, क्योंकि 600 वोल्ट या 400 वोल्ट इस तरह के SMPS होते हैं यहाँ पर जैसे कि। तो बहुत ये जो पुराने वाले SMPS जो थे वो कम से कम 1985 से लेकर 2010 तक बहुत ही अच्छी तरह से चले यहाँ पर। लेकिन अगर हमें चाहिए और नया और हाई लेवल का आपको SMPS, तो आपको चेंज करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी। तो इसकी रीज़न जो होती है बहुत सारे हैं, मैं आपको यहीं पर समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो पहले हमें इसकी लिमिटेशन समझते हैं कि अगर कम हमारा वोल्ट होगा तो हमारा मदरबोर्ड जो है उतना पावर ना होने के कारण उसके ऊपर लोड पड़ेगा, CPU के ऊपर लोड पड़ेगा, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसके जो रैम वगैरह CPU वगैरह उसके चिप वगैरह उसकी IC के अलावा हमारे जो ग्राफिक्स कार्ड होंगी या SATA हार्ड डिस्क वगैरह जो होगी उसके ऊपर उतना ये पावर नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। आप 400 वोल्ट का 500 वोल्ट का आप SMPS लगा रहे हो जबकि ज़रूरत है 1200 वोल्ट की, तो जो उतना पावर जनरेट ना करने के कारण कभी कभी SMPS जो होता है वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर, ओके। तो जो हमें ज़रूरी होता है कि अपग्रेड करना है सही तरीके से SMPS की टेक्नोलॉजी को, और हर SMPS की जो अपनी जो होती है वो एक खासियत होती है, ओके। तो इससे भी पहले जो पुराने वाले जो SMPS थे जो सेकंड जनरेशन के मदरबोर्ड होती थी उनके इससे भी जो बड़े बड़े SMPS आते थे, हालांकि इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर की टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी आई और इसको छोटा किया गया ट्रांसफॉर्मर की टेक्नोलॉजी को। उसके अलावा जो इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो थे
उसकी वो भी रिसर्च करके धीरे धीरे करके उसका छोटे SMPS के अंदर डाला गया, यहाँ पर उसकी सर्किट ऐसी डिजाइन की गई, तब जाके ये छोटा SMPS बना। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे फॉर सेकंड जनरेशन का SMPS देखोगे तो ये काफ़ी बहुत बड़ा होता था यहाँ पर। ओके, तो SMPS का काम ही यही होता है कि मदरबोर्ड के हर जगह पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, मदरबोर्ड के साथ जुड़े हुए जितने भी उसकी डिवाइसेस थे जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह हो गया, CD/DVD वगैरह हो गया, इन सभी को पावर देना काम होता है। और साथ ही मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही पावर ऑन कर तो ऑन हो जाना चाहिए, जैसे ही हमारे जो शटडाउन हम करते हैं तो शटडाउन ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। शटडाउन होता है तो वो ऑटोमेटिकली सभी जगह पर एक ही टाइम के अंदर सभी के अंदर से पावर कट कर दे, बंद कर दे। तो यही SMPS का सेम प्रोसेस नए टेक्नोलॉजी नए टाइप के SMPS में भी होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह के SMPS होता है। अब इन दोनों में पिन में क्या फ़र्क है? देखिए पिन की टेक्नोलॉजी नई आ चुकी है यहाँ पर SMPS के अंदर रिक्वायरमेंट की अनुसार यहाँ पर। अब यहाँ पर एक जो पिन है, कुछ ऐसे SMPS होते हैं जिसके अंदर 24 पिनों वाली पिन एक ही बार निकलेगी, लेकिन दूसरी पिन जो होती है उसके स्लॉट में होती है। लेकिन इस तरह से पुराने वाले SMPS में क्या होता है कि पुराने वाले SMPS में आपको कोई पिन अंदर से डालने की ज़रूरत नहीं, वो सभी अंदर से ही बाहर निकली हुई होती है, डायरेक्ट होती है यहाँ पर। अब एक और नया SMPS की टेक्नोलॉजी देख सकते हो कि इसके अंदर 24 पिन अंदर से बाहर नहीं निकली गई है, सभी एक एक सी बॉक्स की तरह दिखाई दी, उस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया यहाँ पर। और ये 1200 वोल्ट का SMPS है। अब ध्यान से देखिए कि इसे केस में कब हमारा CPU जल जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बहुत कुछ समझा दिया था, वो वीडियो जाकर देखिए तो आपको और धीरे से समझ में आएगा। तो मदरबोर्ड जलने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनमें से तीन बड़े कारण देखे गए, क्योंकि कैपेसिटी के ज़्यादा आपने उसका वॉट SMPS रखा हुआ इसलिए मदरबोर्ड जल जाया। और दूसरा कि अगर कोई फिजिकल डैमेज हुआ, इसकी कोई पिन भी टूट चुकी है अंदर से यहाँ पर CPU लगाते वक्त, तो वो भी मदरबोर्ड जो होती है वो उसके अंदर जल जाएगा यहाँ पर। और तीसरा कि अगर आपका उस SMPS का जो पावर जनरेट करने का जो इसको चाहिए, मतलब कि मदरबोर्ड को 1200 वोल्ट का चाहिए, वो नहीं वो दे रहा यहाँ पर, तो CPU गर्म हो जाएगा और वो भी डैमेज करेगा होगी तो जल जाएगा। तो नया SMPS लगाने की क्या ज़रूरत है? हाई परफॉर्मेंस वाला आपको मदरबोर्ड लिया है तो आपको हाई परफॉर्मेंस को उसकी कॉम्पेटेबल वाला आपको पावर देने वाला SMPS लेना ही होगा, क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर वो पावर जो होता है वो पावर भेजने का SMPS ही काम करता है। क्योंकि जो चिप होती है उसके अंदर उतना लोड देने के लिए उतना हाई परफॉर्मेंस वाला पावर नहीं जनरेट कर पाता पुराना वाला ही SMPS, जैसे कि पुराना वाला SMPS है। अब ये जो देख सकते हो कि ये क्यों जलने का कारण रीज़न यही होता है कि कभी कभी जो लो वोल्टेज के कारण भी हमारे जो कंपोनेंट जो होती है वो जलने के चांसेस होते हैं यहाँ पर। ओके, और कभी कभी हमारे जो ज़्यादा वोल्ट आने के कारण भी वो जल जाते हैं यहाँ पर। तो लो वोल्टेज क्या होता है, क्योंकि हम एक तरफ लोड भी ज़्यादा दे रहे हैं यहाँ पर, काम भी हो रहा है यहाँ पर, और उसकी जो फैन जो होती है कूलिंग फैन की सिस्टम होती है, फैन फास्ट नहीं घूमता है तो वो सॉकेट को जलाने की जो एक तैयारी हो जाती है यहाँ पर CPU के अंदर। तो ऐसा ना हो इसलिए हमें नए टाइप के SMPS उसकी मदरबोर्ड की जो वॉट होती है उस हिसाब से हमें लेना पड़ता है यहाँ पर। एक और आपके सामने मदरबोर्ड है, ये भी 1200 वोल्ट का है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये SMPS को जो है 1200 वोल्ट का ही आपको देना पड़ेगा SMPS। तो देख सकते हो कि हाई परफॉर्मेंस गेमिंग मदरबोर्ड है यहाँ पर है। तो ये मदरबोर्ड को आपको क्यों 1200 वोल्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हो कि पुराने वाले SMPS को ये नहीं चलेगा इस मदरबोर्ड को पावर देने के लिए। अगर आप देने की कोशिश भी करोगे तो वो डैमेज होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो ये कम से कम 18,000 या 20,000 के आसपास, 25,000 के आसपास ये इस तरह के मदरबोर्ड आपको मिलते हैं यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर टेक्नोलॉजी है कौन कौन सी है, जैसे देखिए रैम के 4 स्लॉट मिल जाएंगे आपको, आपको NVMe SSD मिलेगी, USB 3.0 मिलेगा, USB 2.0 मिलेगा आपको, ये भी बहुत हाई ग्राफिक्स परफॉर्मेंस HDMI भी पोर्ट मिलेगा। तो हाई ग्राफिक्स एंड यूजेस करने के लिए इस तरह के जो हमारे SMPS को परफॉर्म देने पड़ता है यहाँ पर। ओके, क्योंकि जो हमारे जो मदरबोर्ड के अंदर हम Core i3, Core i5 या Core i7 का हम CPU लगाते हैं यहाँ पर। ओके, तो उसका वॉट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर।
दूसरी चीज़ की उसके साथ लगे हुए जो कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे कि मैंने रैम के स्लॉट के अंदर 32 GB की जो रैम है वो मैंने मदरबोर्ड के अंदर 4 फीट की हुई है। ओके, ये सिंह यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मदरबोर्ड वगैरह जो होती है वो कोई 2 सिंगल पोर्ट या 4 सिंगल पोर्ट के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि तीसरा जो हाई वर्क आपको क्विक प्रोसेस रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, तो अगर आपको हाई वोल्टेज वगैरह जो होती है वो उसकी जगह पर आपको कंफर्टेबल मतलब उसकी ज़रूरत के हिसाब से अगर आप देते हो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा आप वोल्ट दोगे तो वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन इस तरह के जो SMPS को क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि जो उसकी परफॉर्मेंस होता है, उसका प्रोसेस होता है, उसका रिस्पॉन्स होता है, इसके हिसाब से ये मतलब डिज़ाइन किए गए होते हैं यहाँ पर। ओके, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा जो उसका आर्किटेक्चर होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बेस्ट एनिमेशन इफेक्ट जो होता है, इसके लिए भी हमें SMPS को दे सकते हो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। ओके, अब ये कैसे मुमकिन होता है यहाँ पर कि अगर हमारा जो पावर कम है, पावर की सिस्टम कम है यहाँ पर, उसका प्रोसेस जो कम होता है यहाँ पर, उसका वॉट इतना जनरेट नहीं कर पाता है, तो हमारा मदरबोर्ड जो होता है वो क्या होता है कि उसकी जो सिग्नल की सिस्टम होगी वो कम हो जाएगी, मतलब कि पावर उतना नहीं वॉट दे रहा है यहाँ पर। तो मदरबोर्ड के अंदर आपका जो अगर कोई भी एनिमेशन सॉफ्टवेयर कर रहे हो तो वो कभी कभी लोड नहीं लेगा, कभी चिपक कर चल जाएगा, कभी कभी हमारा SMPS कम होने के कारण वो मदरबोर्ड ज़्यादा गर्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपका शटडाउन होता है यहाँ पर। तो हाई परफॉर्मेंस का अपने मदरबोर्ड लिया है तो आपको एनिमेशन भी बेस्ट मिलेगा ही, लेकिन तब मिलेगा जब उसके साथ SMPS को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके, SMPS भी उतना वोल्ट का लेना पड़ेगा, तब जाकर ही आपको बेस्ट एनिमेशन इफेक्ट आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये मदरबोर्ड जो होता है आपके सामने, ये अलग अलग तरह के आपको मिलेंगे होंगे। ओके, तो यहाँ पर जो मदरबोर्ड जो होते हैं यहाँ पर आप हर अपने जो कैपेसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए कि एनिमेशन जो होती है वो एनिमेशन कब होती है, जैसे कि P4 की बात करें, इस तरह से पुराने टाइप देख सकते कि इस तरह के, ये भी एक हाई लेवल परफॉर्मेंस का एक मदरबोर्ड यहाँ पर। ओके, ये भी आपके सामने देख सकते कि CPU जो होता है उसके लिए भी होता है। अब हाई परफॉर्मेंस की जो CPU जो इस तरह के होते हैं, उसके स्लॉट जो होती है उसका पावर ज़्यादा बढ़ता है यहाँ पर, तो उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजिंग किए गए मदरबोर्ड के अंदर, क्योंकि बेस्ट उसके अंदर फास्ट रिजल्ट देने के लिए भी आपको पावर भी देना पड़ेगा इतना। ओके, इस तरह से पुराने वाले SMPS के अंदर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर हमने इसको यहाँ पर लगाया यहाँ पर इस तरह के हमारे मदरबोर्ड के अंदर, तो बेसिकली पहले तो ये इतना लोड नहीं उठा पाएगा, पावर नहीं आपका कम है तो पावर आपको इतना उसको रिक्वायरमेंट उस हिसाब से नहीं दे रहे यहाँ पर। ओके, तो जो प्रोसेस करने की जो प्रोसेसर करता है यहाँ पर वो ज़्यादा गर्म होने लगेगा, वो गर्म होने के कारण उसका जो कूलिंग फैन होता है वो भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं यहाँ पर मदरबोर्ड के ऊपर। ओके, तो ये ध्यान में रखिए कि फास्ट रिजल्ट हमें मिले और सही तरीके से, तो ये जो मिलेगा वो मेन चीज़ है हमारे मदरबोर्ड और SMPS दोनों की पे डिपेंड होता है यहाँ पर। ओके, तो ध्यान से देखें कि जो हमारा रैम स्लॉट है यहाँ पर, हमारे और भी बहुत सारे आपको डिफरेंट वाज की जो टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी यहाँ पर, ये फास्ट रिजल्ट दे सकते हैं कि आपको तभी मिलेगा फास्ट रिजल्ट जब आपको खुद ही आप परफॉर्मेंस का अच्छी तरह से ध्यान में रखोगे। हाई डेटा प्रोसेस एंड ट्रांसफर रेट, अब क्या होता है कि जो हमारा हाई डेटा होता है यहाँ पर, जैसे कि हम गेमिंग खेलते हैं यहाँ पर, हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो CPU होता है रैम के साथ प्रोसेस करता है यहाँ पर। ओके, CPU का काम ही ये होता है कि जो उसके साथ जो भी डेटा होगा, जो भी होगा, वो रैम को ही पहले परफॉर्म करता है यहाँ पर। अब रैम से जहाँ पर भी जाना है वो जाएगा, नॉर्थ ब्रिज या साउथ ब्रिज, ग्राफिक्स कार्ड जो भी होगा वो यहीं से। तो ट्रांसफ़र रेट जो होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, कौन से वाला मदरबोर्ड में जो हाई लेवल परफॉर्मेंस होते हैं, जो नए टाइप के जनरेशन के मदरबोर्ड होते हैं वो, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो हाई लेवल की होती है। उसके अलावा जो डेटा का जो ट्रांसफरिंग जो रिश्ते होता है, मतलब कि ट्रांसफ़र करने का जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है,
उस हिसाब से जो SMPS की जो ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि मदरबोर्ड को जो पावर की ज़रूरत पड़ती है, वो होती है उसकी जो आर्किटेक्चर, उसका जो सेटअप किया होता है, उसकी जो अलग अलग हाई परफॉर्म वाले जो उसके जो MOSFET, उसके जो ट्रांजिस्टर, उसके अलावा उसके कैपेसिटर्स जो होती है, काफ़ी अलग तरह की क्रिएट किए जाते हैं यहाँ पर, उपयोग बनाए जाते हैं यहाँ पर, और उसको ध्यान से देखो कि कंपेरिजन करके तो यहाँ पर बहुत सारे उसकी जो इलेक्ट्रिकल पार्ट जो होते हैं वो हमारे CPU के साथ जो है जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर। तो वहीं से हमारा जो पावर जो होता है वो ट्रांसफ़र होकर हमारे CPU के अंदर जाता है, हमारे चिप्स के अंदर जाता है, बहुत सारे उसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, तो वही जो अलग अलग जो डेटाज वगैरह जो होते हैं कंप्यूटर की कम्युनिकेशन के अंदर काम आते हैं यहाँ पर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हाई कंप्यूटर कम्युनिकेशन जो होती है वो क्या रीज़न होता है कि जब भी हमारा कोई भी कंप्यूटर जो होता है यहाँ पर ट्रांसफ़र करने वाला, जब वो भी डेटा होता है यहाँ पर, जैसे कि हम कहें कि हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड होता है, ग्राफिक्स कार्ड क्या करता है कि वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, लेकिन वो हमारे मेन सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट मतलब कि हमारे मदरबोर्ड के साथ काम करता है यहाँ पर। ओके, ध्यान में रखिए, ग्राफिक्स कार्ड कभी भी डायरेक्टली ऐसे ही नहीं कि मैं कनेक्ट कर दूँ स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसको भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी डेटा ट्रांसफरिंग की ज़रूरत पड़ती है परफॉर्मेंस करने के लिए। तो जो मेन काम करेगा वो हमारा मेन मदरबोर्ड काम करेगा, ग्राफिक्स कार्ड अपना ग्राफिक्स का ही काम करेगा, नहीं वो आप ध्यान से देखोगे कि वो दूसरी चीज़ों का पर ध्यान रखेगा। तो मेन जो चीज़ें अगर मैं कहूँ कि मैं आपको ग्राफिक्स कार्ड के थ्रू अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि ग्राफिक्स का काम ही होता है कि ग्राफिक्स के ऊपर काम करना, ग्राफिक्स के ऊपर प्रोसेस करना। तो इस तरह के देख सकते कि गीगाबाइट का एक और नया मतलब है, लेकिन इसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ही कम है यहाँ पर। देख सकते कि सिंगल आपको रैम मिलेगी, आपको GB स्लॉट एक सिंगल मिलेगा, और इसको कंपेयर करो नए टाइप की मदरबोर्ड के अंदर बहुत ही आपको देखने को अलग मिलेगा यहाँ पर। ओके, ये कम से कम 7000-8000 के आसपास आपको ये मदरबोर्ड मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, लेकिन इसकी जो वॉट होगी वो कम से कम मैं कहूँ तो 800 या 900 वॉट होगी, उसकी कम वॉल्ट के अंदर आप चला सकते हो यहाँ पर। ओके, इसको 1200 वॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। तो AGP स्लॉट एक ही, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो कि बेस्ट हाई एनिमेशन पिक्सल रेट्स क्रिएट करता है जो। तो क्या होता है कि जो भी आप अभी देख रहे हो ये जो वीडियो के अंदर जो भी पिक्सल वगैरह देख रहे हो यहाँ पर, वो एनिमेशन पिक्सल्स जो भी होता है, जो भी आपको देखते हो वो पिक्सल के अंदर ही आप देख सकते हो अपना जो भी आपका मोबाइल से देख रहे हो या कंप्यूटर से देख रहे हो या लैपटॉप से देख रहे हो। तो कोई भी डिवाइस हो या टीवी हो जो आपको LCD LED या OLED जो भी आपको बना रहे हो, इसकी मेन चीज़ जैसे पिक्सल रेट होता है। अब एक पिक्सल में मतलब एक ही पिक्सल में कितने पिक्सल है और उसका कितना एनिमेशन परफॉर्म दे रहा है, डिपेंड है आपके मदरबोर्ड की परफॉर्मेंस के ऊपर, डिपेंड है आपकी ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर। तो उस हिसाब से उतना पावर वो खींचना शुरू करेगा, मतलब मदरबोर्ड से लेने की कोशिश करेगा। अब मदरबोर्ड को पावर देने का काम SMPS करता है, तो इस वजह से हमें SMPS भी उतना ही लेना पड़ेगा जितना मदरबोर्ड। अब तीसरा यहाँ पर देखो कि इस तरह के मदरबोर्ड में और इसको कंपेयर करो, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी हाई लेवल की है यहाँ पर, जैसे कि इस मदरबोर्ड के अंदर। ओके, अब इसके अंदर 4 रैम के स्लॉट है, CPU है, NVMe SSD है, और भी बहुत सारे नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, और यहाँ पर CPU के साथ बहुत सारे और भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जुड़े हुए हैं। जबकि यहाँ पर गीगाबाइट के अंदर देख सकते कि यहाँ पर और भी देख सकते कि ये भी एक SSD का ही है यहाँ पर। तो ये जो है एक आपको अलग अलग मदरबोर्ड की जो टेक्नोलॉजी होती है उस हिसाब से हमारे वॉल्ट भी अलग अलग पड़ते हैं, और अलग अलग वॉल्ट के कारण ही हमारे जो CPU की परफॉर्मेंस को देने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए हमें वॉल्ट को बढ़ाने के लिए SMPS उतना ही लेना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर भी देखो, तो ये जो है यहाँ पर SMPS का टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इस SMPS को देखो, ये भी बहुत सारे अलग है। यहाँ पर एक AGP पीस है, यहाँ पर तीन यहाँ पर देख सकते हो ये। तो हर तरह की SMPS जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर, कंप्यूटर और हार्डवेयर पार्ट्स फास्ट रिस्पॉन्स। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के हर पार्टीशन मतलब हर पार्ट को, जैसे कि CPU हो गया, रैम हो गया, AGP स्लॉट हो गया, बैकग्राउंड प्लॉट हो गया, नॉर्थ पेज हो गया, साउथ पेज हो गया, यहाँ पर जितनी भी कंप्यूटर, हर कंप्यूटर की जो अपनी फ्रिक्वेंसी होती है उसका ट्रांसफरिंग रेट अलग अलग होता है यहाँ पर, उसका वॉट अलग अलग होता है। उस हिसाब से फास्ट रिस्पॉन्स कितना दे पाएगा वो डिपेंड करता है आपकी मदरबोर्ड की टेक्नोलॉजी के ऊपर। ओके, वो डिपेंड करता है आपके मदरबोर्ड की टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपका CPU
रैम और उसके चिपसेट सिस्टम के ऊपर होगी। तो देख सकती हो कि वो जो हार्ड डिस्क जो जितने भी हमारे जो कंपोनेंट जॉइंट होते हैं हमारे मदरबोर्ड के, रैम हो गया, इसको इम्पोर्टेंट होता है कंप्यूटर सेंड और रिसीव सिग्नल के। जैसे कि रैम हम लगाते हैं, सीपीयू लगाते हैं, बहुत सारे अलग अलग हम केबल कनेक्ट करते हैं यहाँ पर मदरबोर्ड के ऊपर। मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन कौन कौन से पावर केबल लगाते हैं, कौन कौन से फिटिंग करते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा नेक्स्ट कुछ वीडियो के अंदर होगी। तब तक के लिए अभी इसको समझते हैं कि क्यों हमें SMPS नया इस हिसाब से लेना पड़ता है। तो मदरबोर्ड को अगर आपने अपग्रेड किया है, आपने नया मदरबोर्ड लिया है, हाई परफॉर्मेंस वाला मदरबोर्ड लिया है, तो आपको वो SMPS उतना ही लेना पड़ेगा जितना मदरबोर्ड का वॉट है। तो ये वॉट के हिसाब से हमारा जो है सेंड और रिसीव सिग्नल के ऊपर भी इफेक्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि जो परफॉर्मेंस होता है वो मेन चीज़ यही होती है कि सेंड करने का और रिसीव करना सिग्नल वो होती इम्पोर्टेंट। डेटा एक्सेस फास्ट होता है यहाँ पर। ओके, अब हम बात करते हैं डेटा एक्सेस फास्ट क्या होता है। अब हम इसको समझने के लिए हम हार्ड डिस्क को हम कंपेयर करेंगे। पहले IDE हार्ड डिस्क आई जो काफ़ी स्लो थी, फिर IDE कई बार हम SATA हार्ड डिस्क आई, तो SATA हार्ड डिस्क के अंदर हमारी जो स्टेटर मोटर जो थी उस मोटर के हिसाब से उसके अंदर जो एक प्लेट घूमती थी, आप देखो हार्ड डिस्क को ओपन करोगे तो खोलोगे तो। फिर उसके बाद SATA SSD आई, लेकिन तीनों में जो ज़्यादा है वो SATA SSD और SATA SSD से भी ज़्यादा फास्ट है NVMe SSD जो है यहाँ पर ये फास्ट होती है। तो ये जो क्या होता है कि हर टेक्नोलॉजी के अंदर डेटा को एक्सेस करने के लिए, उसको फास्ट करने के लिए। अब ये हो गए हार्ड डिस्क की डेटा की। अब बात करते हैं रैम की। जितनी रैम फास्ट होगी, DDR1 पहले थी, DDR2 टेक्नोलॉजी आई, फिर DDR3 आई, DDR4 आई और DDR आज टाइम 5 आ चुकी है यहाँ पर। तो DDR क्या है? DDR ड्यूल रैम, ये रैम होती है जो उसकी फ्रिक्वेंसी के CPU के साथ फास्ट ट्रैवल करती है। अब स्ट्रीमिंग एंड हाई विजिबिलिटी परफॉर्मेंस क्या होती है? देखिए, गेमिंग करते हो आप, गेम खेलते हो, उसके अलावा कुछ ऐसे आपको बहुत सारे एनिमेशन बना रहे हो, यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो, बहुत आप उसके ऊपर काम कर रहे हो कंप्यूटर के ऊपर, जो आपको रिस्पांस फास्ट मिले, आपको परफॉर्मेंस हाई विजिबिलिटी मिले, तो आपको मदरबोर्ड उतना पावरफुल करना ही पड़ेगा, उसको आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। उसके साथ आपको जो बढ़ाना है, आपको SMPS को भी बढ़ाना पड़ेगा, उसका पावर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर हमारा SMPS के साथ साथ मदरबोर्ड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, वरना परफॉर्म नहीं करेगा। इसका रीज़न यही होता है कि जो विजिबिलिटी, जो परफॉर्मेंस जो होती है वो काफ़ी हद तक हम जो है वो कंपेटेबल होनी चाहिए। देख सकते हो कि CPU जो होता है Core i7 है या Core i8 है या Core i9 आप लगाए इंटेल का, ओके, तो इंटेल का जो CPU लगा या AMD का आपने हाई लेवल का परफॉर्मेंस का आपने लिया है आपका CPU, तो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि हाई विजिबिलिटी परफॉर्मेंस और स्ट्रीमिंग वगैरह जो होते हैं उतना क्या मदरबोर्ड आपका है या नहीं, ये मेन चीज़ें होती है। उसके अलावा आपको जैसे कंप्यूटर का जो हाई डिस्प्ले वर्क होता है और उसका रिस्पॉन्स भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपको। तो हम बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड के अंदर, जो ग्राफिक्स कार्ड हम लगाते हैं, तो ग्राफिक्स कार्ड का काम ही यही होता है कि हाई डिस्प्ले और उसका जो वर्क जो होता है रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट मिले। तो CPU जो मेन होता है, जैसे देखिए हमारा जो हर मदरबोर्ड के अंदर आपको CPU देखने मिलेगा, रैम मिलेगा, नॉर्थ भी साउथ भी जो चिपसेट फैमिली होती है वो, ओके, लेकिन उसके जो बैकग्राउंड पोर्ट जो होते हैं वो चेंजिंग होते हैं जैसे यहाँ पर, ओके, कुछ टेक्नोलॉजी होती है कुछ कम पैसों के अंदर कुछ चेंजिंग होगी, कुछ हाई परफॉर्मेंस वाले मदरबोर्ड में तो हाई परफॉर्म वाले आपको उसकी टेक्नोलॉजी अलग अलग होगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो ये मदरबोर्ड है आपके सामने, ये वाला जो मदरबोर्ड है ये एक SSD NVMe's सपोर्ट करने वाला, DDR5 सपोर्ट करने वाला, Core i9 सपोर्ट करने वाला, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो USB 3.0, उसके वाईफाई सिग्नल वगैरह जो होती है, उसके ग्राफिक्स कार्ड तीन लगा सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो ये जो हाई परफॉर्मेंस डिस्प्ले करने के लिए, उसका वर्क रिस्पॉन्स करने के लिए ये जो है आपके सामने मदरबोर्ड लगा है यहाँ पर, ओके। तो हमारा जो मदरबोर्ड जो होता है वो कोई सिंपली कोई मदरबोर्ड नहीं होता है, इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो मेन इंपॉर्टेंट यही होता है यहाँ पर, ओके। तो ये जो है जैसे कि गीगाबाइट टेक्नोलॉजी और गीगाबाइट के अलावा ये भी देख सकते कि अलग अलग तरह की हमारे जो परफॉर्मेंस जो होती है यहाँ पर, हर कंपनी जो होती है दूसरे से अलग होती है यहाँ पर, ओके। तो बेसिकली जितने भी हमारे जो मदरबोर्ड होते हैं यहाँ पर, जैसे कि अपग्रेड करना होता है इसको, डिस्प्ले जो होती है उसकी रिस्पॉन्स जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है।
तो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी परफॉर्मेंस होती है, यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस का काम यही होता है कि इसको हाई लेवल को परफॉर्म करने के लिए उसकी जो पोर्ट की टेक्नोलॉजी, उसकी पोर्ट के सिस्टम जो होती है, वो सभी टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली जो आप ध्यान से देखोगे कि जो सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग के ऊपर ही मेन सभी चीज़ों का प्रोसेस करना होता है। लेकिन इसकी जो ये अकेला प्रोसेस नहीं करता है, उसके साथ दूसरी और भी दो तीन चीपें होती हैं, जिसको नॉर्थ बिट चीप कहते हैं और साउथ बिट कहते हैं, और तीसरी जो काम करता है उसका जो है रैम परफॉर्मेंस। ओके, तो इन सभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो होते हैं वो हाई डिस्प्ले के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उस हिसाब से उसको पुराने वाले SMPS कभी भी लगाना मत, क्योंकि वो जो हाई परफॉर्मेंस वाला, अगर मदरबोर्ड, कोई भी आप मदरबोर्ड लेते हो, अगर मान के चलते इसकी अंदर, इस वाले मदरबोर्ड के अंदर अगर 1000 वोल्ट का है, तो आप 1200 वोल्ट नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो वोल्ट बढ़ जाएगा। ओके, हाई डिस्प्ले वगैरह जो होते, तो 1000 वोल्ट के आसपास ही आपको ये आपको SMPS इसके अंदर लगाना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं 1200 वोल्ट का, तो 1200 वोल्ट भी आप यूज कर सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग एंड अल्ट्रा फास्ट सपोर्टिंग प्रोसेस जो होती है, क्या होती है, कुछ लोग जो है लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं कंप्यूटर के अंदर, अल्ट्रा फास्ट सपोर्टिंग प्रोसेस करना चाहते हैं अपने आप को, तो क्या होता है कि यही मेन चीज होती है कि हार्डवेयर के इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। या अगर हार्डवेयर को अपने अच्छी तरह से अपग्रेड किया हुआ है, तो लाइव स्ट्रीमिंग आप कर पाओगे। उसके अलावा फास्ट प्रोसेस कर पा करता है यहाँ पर प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर के ऊपर प्रोसेस करने का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये Core i2 में, Core i2 Core i3 में अगर आप करने जाओगे, तो वो इतना फास्ट काम नहीं कर पाएगा। ओके, इसलिए आपको CPU का अपग्रेड करना पड़ेगा, मदरबोर्ड का अपग्रेड करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप लाइव स्ट्रीमिंग और अल्ट्रा फास्ट सपोर्टिंग प्रोसेस कर पाओगे। ओके, और ध्यान से देखोगे कि जितने भी हमारे लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह जो होती है, यहाँ पर हमारा जो अल्ट्रा फास्ट सपोर्टिंग जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से देखोगे कि स्ट्रीमिंग जो होती है, फास्ट परफॉर्मेंस जो होती है, आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, तो फास्ट एंड इजी बेस्ड कंप्यूटर OS वर्क। ओके, तो बहुत ही फास्ट चले, इजी चले, और कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम काम करे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो प्रोसेसर जो होते हैं वो काफ़ी बिजी हो जाते हैं। जैसे कि एक तरफ आप इंटरनेट चला रहे हो, एक तरफ लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, एक तरफ आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, एक तरफ आप गेमिंग कर रहे हो, और एक तरफ आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, एक तरफ आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हो, तो ये जो जितना भी परफॉर्मेंस होता है, जितना भी काम होता है, जितना भी प्रोसेस बढ़ जाती है, हमारे CPU के ऊपर लोड बढ़ता है, हमारे रैम के ऊपर लोड बढ़ता है यहाँ पर, तो वो कैपेसिटी जितनी होगी, जैसे कि मैंने इतनी सारी जो चीज़ें ऑन करके रखी हुई है, और मैं Core i3 ही लगा कर रखा हुआ है CPU को, तो क्या होगा कि कभी कभी हमारा कंप्यूटर जो है रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा, मतलब कि वो कम करेगा, मतलब कि वो टाइमिंग लेना शुरू करेगा, वेटिंग करेगा, वो स्ट्रीमिंग वगैरह जो रुक जाएगा, ये जो होता है वो स्लो होता है यहाँ पर, क्योंकि हमारा मदरबोर्ड इतना फास्ट नहीं है, हमारा CPU इतना फास्ट नहीं है, और परफॉर्मेंस इतना हमें नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो यही मेन चीज़ें होती है। ओके, अब इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्किंग जो होती है, मतलब कि हमारा जो नेटवर्क इंटरनेट चला रहे हैं, ओके, तो इंटरनेट का डेटा जो हमारे मदरबोर्ड से ही आता है यहाँ पर। ओके, और जो भी हम डाउनलोड करते हैं यहाँ पर, ये हमारा इसके अंदर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब भी हमारा कोई नेटवर्क जो होता है वो हाई फैसिलिटीज यूज़ कर सके। तो अगर मान के चलते हैं कि आपके 100 MBPS इंटरनेट आ रहा है, और आपका मदरबोर्ड जो है काफ़ी कम यूज़ हो रहा है इंटरनेट, उसका रिस्पॉन्स भी, उसका परफॉर्मेंस, उसका प्रोसेस भी बहुत ही कम हो रहा है, जैसे कि 5 MBPS यूज़ वगैरह 10 MBPS यूज़ कर रहा है, तो इसका रीज़न यही होता है क्योंकि आप अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किए। ओके, तो इस हिसाब से हमें मदरबोर्ड को देखने के बाद ही हमें SMPS को खरीदना होता है। मदरबोर्ड अगर आपने नया लिया है, काफ़ी हाई परफॉर्मेंस लिया है, तो पुराने वाले SMPS नहीं चलेंगे। मदरबोर्ड के पहले वॉट को देखो, फिर बाद में SMPS, उसी के हिसाब से आपको खरीदना होगा। ओके, 20 वोल्ट 30 वोल्ट ऊपर नीचे होते तो चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपग्रेड टेक्नोलॉजी, मदरबोर्ड क्या होती है, मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है, यहाँ पर वो मैं आपको समझाऊंगा। तो तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माई और हैव नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू हाउ टू अपग्रेड। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकती हो। तो थैंक यू, हैव नेक्स्ट डे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है।
टेन के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी है कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या भी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, शादी मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, माइक्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर के नॉलेज नहीं, तो बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर से, तो अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी, आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।